बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है बेटे। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी की जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि अ कंपनी हैज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट एडवर्टाइजिंग आल्सो इंक्रीजेज इट्स सेल्स अप टू अ पॉइंट। ठीक है, द कंपनी बिलीव्स दैट द मैथमेटिकल मॉडल कनेक्टिंग प्रॉफिट इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, जो कि PFX हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स एक्स। ठीक है जी, एक्स जो है हमारे पास थाउजेंड ऑफ डॉलर्स रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है जो कि 0 और 10 के दरमियान होगा इसकी एक्स की वैल्यू, और ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें देखिए PX जो है हमारे पास इसकी इक्वल है, हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, सो टेकिंग डेरिवेटिव, हम इससे पहले सबसे पहले जो है इसके अंदर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कि 108 - 3x² के इक्वल आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। सो हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव है जो है वो -6x आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग P'(x) इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम हमेशा 0 की इक्वल लेते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। तो हम इसको 0 की इक्वल हमने ले लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x² को हम इधर शिफ्ट किया, सो 3x² इज इक्वल टू 108 हो गया। सो x² इज इक्वल टू 108 3 पे डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास +-6 आ गया। अच्छा जी, तो अब चूंकि हमारे पास बट गिवन दैट जीरो जो होगा वो एक्स जो होगा वो 0 और 10 के दरमियान होगा, तो इसमें +6 जो है वो 0 और 10 के दरमियान आ रहा है, लेकिन -6 0 और 10 के दरमियान नहीं आता। तो हम -6 को छोड़ देंगे और +6 जो है उसको हम ले लेंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको x जो है 3 को इसको हम डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम आ जाए। तो हम इसको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे -36 आ गया। अब माइनस आप लोगों ने पढ़ा कि जब ये माइनस आ जाए, इसकी वैल्यू माइनस आ जाए, तो ये लेस देन 0 होती है। जब ये लेस देन 0 होती है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये रिलेटिव मैक्सिमम होता है। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि 10 की मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो x इज इक्वल टू, जब हमारे पास x की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, $600 जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सो हम फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अब हम जो है अपने असल क्वेश्चन की तरह कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करेंगे कि $600 को जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। तो x हम जब 6 पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर जब हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास 512 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो जब हम इतने डॉलर्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है इतना मुनाफा आएगा। ठीक है जी, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है जो कि आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, जिसमें इन्होंने एक डीजल जनरेटर जो है वो बर्न फ्यूल्स एट द रेट ऑफ, इस फंक्शन की रेट के मुताबिक एक डीजल जनरेटर जो है वो फ्यूल जो है वो बर्न करता है। तो एक घंटे में जो है इसने एक्स थाउजेंड किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सपोज दैट फ्यूल कॉस्ट 2.25 अ गैलन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर। ठीक है जी, तो हमारे पास जनरेटर जो है हमने 32 घंटों के लिए इसको यूज़ किया है, टोटल हवा में 32 आवर्स हैं, पर गैलन जो है वो $2.25 है। ठीक है जी, सो दस द टोटल कॉस्ट इज, तो हमारे टोटल कॉस्ट इसी बोलोगी, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ गैलन्स पर हावर, जितने नंबर ऑफ गैलन्स हम यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ हावर जितने घंटे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी उनके ऊपर कास्ट है, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारा खर्च आएगा टोटल। तो इसको हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास 72/48, और ये तो हमारे पास इसी तरह आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो साथ 3/2 × 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x इसकी इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल दी। ठीक है, सो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बाहर आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये x जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 नीचे, x की पावर -2 हो जाएगी, तो हमने इसको डायरेक्ट नीचे लिया है। ठीक है, तो -300 ओवर x बाय 2, ये तो पहले से ही बाहर था, +2 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ही आ जाता है। ठीक है जी, सो इक्वेशन नंबर 2, अब हम दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये x ऊपर चल जाएगा, तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, -450 मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर -2 नीचे आ गया, और x की पावर -3 हो गई। ठीक है जी, सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इससे आया 900 ओवर x की क्यूब। इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज फॉर F'(x) इज इक्वल टू 0, हमने तो पहले भी पढ़ा है कि क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम जो है F'(x) फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 लेते हैं। तो हमने इसको 0 की इक्वल ले लिया इसको। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 की इक्वल ले लिया। तो जब ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, तो ये x² हो गया, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा जी। तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, 3x² इज इक्वल टू 450 आ गया।
So x square is equal to 450 divided by 3. So x square is equal to 150. So x is equal to plus minus under the root of 150. अब ये जो है हमारे पास, we will take x positive. हम x को positive लेंगे. ये क्यों लेंगे? क्योंकि because x show hours. x जो है हमारे पास वो घंटे बता रहे हैं. तो घंटे कभी भी तो हमारे पास negative भी नहीं हो सकते. वो हमेशा हमारे पास positive रहेंगे. तो हम इसको positive लेंगे. ठीक है जी, x is equal to positive under root 150. ठीक है जी, इसको हमने ले लिया. सो अब हम इसको 150 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि सेकंड डेरिवेटिव है, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि ये हमारे पास कितना जो है वो खर्चा करेगा. ठीक है, सो सी डबल प्राइम ऑफ अंडर रूट 150 हमने इसकी पुटिंग की, तो ये हमारे पास हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 आएगा. सो जब ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वो मिनिमम कास्ट होती है. ठीक है जी, जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है तो वो रिलेटिव मिनिमम होता है, मतलब कि मिनिमम कास्ट हमारे पास इसके ऊपर आएगी. तो हम इस एक्स को पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर. तो जब हमने पुट किया इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया सी अंडर रूट 150 जो कि 12.2 की इक्वल है, ये 73.48 डॉलर्स के इक्वल आ गया. ठीक है बेटे, सो इंशाल्लाह हम के नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.